नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 5 जून 2019 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आई हुई वो कैप के बारे में, जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम कल की वो कैप का एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। कल जो वो कैप पढ़ी थी हमने वो है गर्मी को देखते हुए भारत को यूएन के साथ कोएलिशन करना चाहिए। कोएलिशन का मतलब गठबंधन करना चाहिए, मैंडेट देना चाहिए। मैंडेट का मतलब होता है शासनादेश या ऑफिशियल ऑर्डर देना चाहिए कि हर आदमी को 10 पेड़ लगाने चाहिए। यह ऑफिशियल ऑर्डर अवर्स वातावरण को, अवर्स मतलब प्रतिकूल वातावरण को बदलने में सब्सटेंशली मतलब काफ़ी हद तक यूटिलिटेरियन करेगा, यूटिलिटेरियन होगा, उपयोगी होगा या यूज़फुल होगा। तो ये थी कल की वो कैब। अब हम आज की वो कैब की तरफ मूव करते हैं। आज की वो कैब हमारे सामने 5 जून 2019 की फर्स्ट वर्ड हमारे पास है टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है कार्यनीति, टैक्टिक मीन्स कार्यनीति। नेक्स्ट हमारे पास है प्लम्ब। प्लम्ब का मतलब होता है जानना या टू नो। प्लम्ब मीन्स जानना या टू नो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, टैक्टिक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियोस में, जिसका मतलब होता है भड़काना। इंटीमिडेट करना मतलब भड़काना किसी को। पैटी का मतलब होता है तुच्छ। पैटी का मतलब तुच्छ, ये भी आपने वर्ड पढ़ा होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब होता है आगामी। सबसीक्वेंट मीन्स आगामी। नेक्स्ट वर्ड इज लीवे। लीवे का मतलब होता है स्वतंत्रता। लीवे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड्स का मतलब होता है प्रगति या फिर प्रगति करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास। विसिनिटी मीन्स आसपास। नेक्स्ट वर्ड है विशिएट। विशिएट का मतलब होता है बिगाड़ना या फिर ख़राब करना, कोई भी सिचुएशन बद से बदतर करना, ख़राब करना, विशिएट करना या बिगाड़ना, डैट इज़ विशिएट। अब इसकी तरफ ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। ट्रिक की तरफ मूव करने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। ट्रिक हमारे सामने दी हुई है। फर्स्ट हमारे पास है कुछ पीटी लोग, कुछ तुच्छ लोग लीवे रूप से काम नहीं करने देते। लीवे मतलब स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करने देते। भारत सरकार को ऐसी टैक्टिक बनानी चाहिए, भारत सरकार को ऐसी कार्यनीति बनानी चाहिए जिससे हर व्यक्ति को काम करने की लीवे मिल सके। लीवे मतलब स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस मिल सके और वह स्ट्राइड्स कर सके और वह प्रगति कर सके। तो ये थी ट्रिक। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और कल के होमवर्क का फटाफट रिप्लाई दिखा देता हूँ। कल मैंने दो वर्ड दिए थे आपको, एक वर्ड दिया था ग्रैपल और दूसरा वर्ड दिया था स्वे। दोनों वर्ड का बिल्कुल सही आंसर दिया है कर्मा तवर ने। इसके बाद शालू प्राशर ने, इन्होंने भी कमेंट किया, इन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया स्वे और ग्रैपल का। इसके बाद के एम कीर्ति ने भी राइट आंसर दिया ग्रैपल का, इन्होंने सेंटेंस फ्रेम किया बिल्कुल राइट वे में। इसके बाद नितिन कुमार जी ने भी राइट आंसर दिया ग्रैपल का और स्वे का, इन्होंने सिनोनिम्स भी बताया दोनों के, ग्रैपल और स्वे के। नेक्स्ट हमारे पास जो रिप्लाई आया था वो आया था प्रियंका पिया का, इन्होंने भी ग्रेपल का पहले मीनिंग बताया, उसके बाद सिनोनिम्स बताया, फिर एंटोनिम्स बताया। सेम वे इन्होंने पहले स्वे का मीनिंग बताया, फिर उसका सिनोनिम्स बताया और एंटोनिम्स बताया। बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई किया, आप सबको भी ऐसी रिप्लाई करना चाहिए। उसके बाद प्रीटी कैचर कच्चर का ने भी राइट आंसर दिया बिल्कुल सही सेंटेंस फ्रेम किया ग्रेपल का। तो ये थे कुछ कल के होमवर्क। मैं आपको आज के लिए दो होमवर्क दे रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड दे रहा हूँ आपका बी सेट, इसका आपको रिप्लाई करके बताना है। बी ई एस सी टी बी सेट, इसका मतलब बताना है आपको। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी लिखने हैं इसके। फर्स्ट वर्ड हो गया बी सेट और जो सेकंड वर्ड दे रहा हूँ आपको वो है आपका इंटीमिडेट। आई एन टी आई एम आई डी ए टी इंटीमिडेट, दो वर्ड हो गए बी सेट और इंटीमिडेट। इन दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।